स्वागत है आप सभी बच्चों का इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। बच्चों जहां पर ये सभी टॉप एजुकेटर्स आपको एजुकेट करते हैं, यहां पर बच्चों आप मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज का जो सेशन है बच्चों ध्यान रखिएगा, आज हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर डिस्कशन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सारे फिजिकल फीचर के बारे में आज बच्चों हम इस सेशन में समझने वाले हैं, तो बने रहिएगा बच्चों, जिससे एक ही सेशन में आपका पूरा कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साथ ही साथ न्यूजीलैंड भी हम बच्चों इसी सेशन में कवर करेंगे। क्लियर है? लेकिन बच्चों स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे बच्चों अभी आप सभी के सामने अनअकैडमी गोल, ध्यान रखिएगा अनअकैडमी गोल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ये सब्सक्रिप्शन का सभी जो बेनिफिट बच्चों ध्यान रखिएगा वो 25 अप्रैल से लेकर के अगर आप 28 अप्रैल के मध्य अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है? इसके साथ ही साथ बच्चों इस सब्सक्रिप्शन में बच्चों सभी 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है बच्चों? केवल 20% का डिस्काउंट ही नहीं, 20% के डिस्काउंट के साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आपको बच्चों अनअकैडमी पर, अनअकैडमी के द्वारा जो बनाया गया प्रीलिम्स बुकलेट सीरीज जो है ये कंप्लीट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये सभी सब्सक्रिप्शन में ये सारे बेनिफिट्स ध्यान रखिएगा। 20% के साथ ही साथ प्रैक्टिस बुकलेट भी आपको 1 ईयर या उससे अधिक समय का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो मिलने वाला है। केवल और केवल बच्चों आपको करना है उमा लाइव, ध्यान रखिएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं बच्चों तो उमा लाइव कोड यूज करना है और उमा लाइव कोड यूज करने के बाद बच्चों सब्सक्रिप्शन लेना है, जिससे 20% के साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बुकलेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बच्चों इस वीक जो है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट एग्जाम होने वाला है 1 मई 2022 सुबह 11 बजे। बच्चों 60 मिनट में 56 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपका रैंक 1 to 3 रहता है तो 90% स्कॉलरशिप, 4 to 10 रहता है तो 75% और 11 to 50 रहता है बच्चों तो 50% स्कॉलरशिप और 51 to 500 रैंक अगर आपका आता है तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगा, जिस स्कॉलरशिप के थ्रू आप बच्चों ध्यान रखिएगा सभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको इस एग्जाम को देने के लिए बच्चों एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं उमा लाइव। क्लियर? इस कोड को यूज करके बच्चों आप इस एग्जाम को बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बच्चों फ्री कॉम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। लास्ट ईयर बच्चों 170+ से ज्यादा स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट हुए हैं। अनअकैडमी पर बच्चों 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन होते हैं, जिसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सबसे बेहतर सब्सक्रिप्शन होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बच्चों अगर आप उमा लाइव कोड यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों उमा लाइव कोड यूज करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको पर्सनल कोच लाइव मेंटरशिप के रूप में बच्चों मैं आपको मेंटर करूंगा। इसके साथ ही साथ स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल के रूप में प्रीलिम्स बुकलेट सीरीज आपको मिलेगी। क्वेश्चन आंसर के सीरीज में बच्चों हम लोग प्रत्येक दिन यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का जो है सीरीज को देखेंगे कि अटेम्प्ट करेंगे कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन आंसर का स्किल आना चाहिए जिससे हम ज्यादा नंबर ला सके। और बच्चों ओपन हाउस विद एजुकेटर, ये सारी फैसिलिटीज बच्चों आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले बच्चों तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। क्लियर है? जो बच्चे 1 टाइम पेमेंट करके अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते वो बच्चे अनअकैडमी से लोन ले सकते हैं। बच्चों अनअकैडमी यहाँ पर आपको 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगी। बच्चों ध्यान रखिएगा 2 घंटे के अंदर ये लोन अप्रूव होगा। मिनिमम पेपर वर्क के साथ आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फ्लेक्सिबल टेंचर होता है बच्चों। इस फैसिलिटी में भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं देन यहाँ पर भी बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? उमा लाइव। क्लियर है? उमा लाइव बच्चों आपको कोड यूज करना है ना? जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल या कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हैं वो इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल या कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइएगा बच्चों, जिससे मेरे सभी वीडियोज के लिंक मिल सके आपको और आप लाइव जुड़ करके तैयारी कर सके। इसके साथ ही साथ सेशन का जो PDF है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर बच्चों मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को हम किस प्रकार से पढ़ें जिससे अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएं, ये आज के सेशन में आप जो है सीख जाएंगे। क्लियर है? आज के सेशन में बच्चों आप इस पॉइंट को सीख जाएंगे। क्लियर है? तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें तो बच्चों फिजिकल पार्ट से हम इसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा फिजिकल पार्ट से हम इसे स्टार्ट करेंगे। आई होप कि सभी बच्चों को ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और सारे टॉपिक को हम बहुत अच्छे से इस सेशन में समझ पाएंगे, क्लियर है। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। बच्चों एक एक बार लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे ये वीडियो जो है ये सेशन सभी बच्चों तक पहुंच सके, क्लियर है। यहाँ पर बच्चों ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का फिजिकल डायग्राम है ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के फिजिकल डायग्राम को हम देख रहे हैं बच्चों। इस फिजिकल डायग्राम से माध्यम से हम ये देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी भाग है वो इंडियन ओशियन, इसके साथ ही साथ बच्चों जो पश्चिमी भाग है ध्यान रखिएगा पैसिफिक ओशियन, है ना, पैसिफिक ओशियन, ध्यान रखिएगा पैसिफिक ओशियन इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, क्लियर है। तो इंडियन ओशियन के साथ ही साथ पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर पूर्वी भाग में आपका इंडियन ओशियन है और पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग में बच्चों ध्यान रखिएगा आपका पैसिफिक ओशियन है और पश्चिमी भाग में आप देख सकते हैं तो इंडियन ओशियन हमने देखा है। इसी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को बच्चों 6 अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, है ना। मतलब पूर्वी भाग में 3 अलग अलग प्रांत है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया प्रांत। मध्य भाग में बच्चों आप देखेंगे तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साथ सदर्न ऑस्ट्रेलिया और ध्यान रखिएगा जो सबसे पश्चिमी भाग है बच्चों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मतलब 6 भाग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के मुख्य भूमि में 6 अलग अलग प्रांत आपको देखने को मिल रहे हैं। और बच्चों 7वां जो है छोटा सा आपको दक्षिण भाग में द्वीप दिखाई दे रहा है, तस्मानिया द्वीप। तो 7 पार्ट जो है आपको पढ़ना है इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, है ना। यहां पर हम देख सकते हैं ये क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड के बाद बच्चों न्यू साउथ वेल्स हमने देखा, न्यू साउथ वेल्स देखा, विक्टोरिया देख लिया बच्चों, यहाँ पर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ ही साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे में तस्मानिया द्वीप। तो सबका नाम हमने देख लिया, सभी नामों के साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर राजधानी के बारे में भी देखना पड़ेगा। और राजधानी के लिए बच्चों एक छोटा सा कोड आपको मैं बता देता हूं जिससे आपको ध्यान रखिएगा, जिससे आपको बच्चों हमेशा के लिए जो है याद हो जाए, है ना। तो सबसे पहले बच्चों ये कोड याद रखिएगा BSc के बाद बच्चों कोड आपको याद रखना है MA और उसके बाद बच्चों PhD, है ना, जिससे आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी प्रांत आपने देखा है, 6 प्रांत देखा है आपने मुख्य भूमि पर, उन सभी प्रांतों की राजधानी आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। ये B बच्चों याद रखिएगा, इस B का मतलब BSc में जो पहला लेटर है B का मतलब होता है ब्रिस्बेन, है ना, ब्रिस्बेन। और आप देखेंगे तो ब्रिस्बेन जो है क्वींसलैंड की राजधानी आपको दिखाई दे रही है, ब्रिस्बेन जो है क्वींसलैंड की राजधानी है। S फॉर बच्चों ध्यान रखिएगा सिडनी, ठीक है, सिडनी जो है ध्यान रखिएगा न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सिडनी। और C फॉर बच्चों कैनबरा, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की राजधानी है, कैनबरा। ये कैनबरा याद रखिएगा बंदरगाह नहीं है, ठीक है, बंदरगाह नहीं है, इसका मतलब है मुख्य भूमि के अंदर आपको कैनबरा मिलेगा, है ना। तो लेकिन कैनबरा तो अंदर में ही मिल रहा है, बट B और S मतलब ब्रिस्बेन और S फॉर सिडनी, ये दोनों ही पोर्ट है, दोनों ही बंदरगाह है, ठीक है। ब्रिस्बेन क्वींसलैंड और सिडनी जो है न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। बच्चों M फॉर मेलबर्न, है ना, M फॉर MA में हम आ जाते हैं, MA का में M फॉर मेलबर्न। और मेलबर्न राजधानी है बच्चों विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी है, विक्टोरिया प्रांत आप सबसे दक्षिण में देख रहे हैं और इसकी राजधानी याद रखिएगा मेलबर्न है। A फॉर एडिलेड, A फॉर एडिलेड और एडिलेड जो है बच्चों साउथ ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हमने देख लिया एडिलेड है। मतलब MA का फुल फॉर्म हमने देख लिया, M फॉर मेलबर्न जो कि विक्टोरिया की राजधानी है और A फॉर एडिलेड जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वहीं बच्चों पीएचडी, वहीं आप देख सकते हैं पीएचडी, पी फॉर पर्थ, पी फॉर पर्थ। और पर्थ आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न टेरिटरी की राजधानी है पर्थ। और एचडी मतलब बच्चों ध्यान रखिएगा डार्विन है ना, डार्विन जो कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो इस शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के राजधानियों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की राजधानी को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। आई होप कि मेरे साथ साथ आप भी इसकी राजधानी को अच्छे से याद कर लिए होंगे, क्लियर है। दक्षिण भाग में बच्चों जो तस्मान द्वीप है, तस्मानिया जो द्वीप हमने बताया था जो सबसे दक्षिण भाग में मौजूद है, तस्मानिया द्वीप की राजधानी होबार्ट है, होबार्ट ध्यान रखिएगा। तस्मानिया द्वीप की राजधानी जो है होबार्ट है। तो इसके माध्यम से हमने क्या कर लिया, प्रांतों का नाम देख लिया और उसकी राजधानी के बारे में हमने समझ लिया। अगला जो कार्य है बच्चों वो है, ध्यान रखिएगा, हमें इसके फिजिकल फीचर के बारे में समझना होगा। और फिजिकल फीचर के बारे में बच्चों हम तभी समझ सकते हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को बहुत ध्यान से देखें, है ना। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को बच्चों हम बहुत ध्यान से जब देखें, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सबसे उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग में बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अराफुरा सी, अराफुरा सागर। अराफुरा सागर के पूर्वी भाग में आएंगे तो बच्चों कोरल सागर है। अराफुरा सागर के पूर्वी भाग में आप आएंगे तो कोरल सागर है। और अराफुरा सागर और कोरल सागर को आपस में मिलाने वाली जल संधि को ही टॉरस जल संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सी जल संधि कहते हैं बच्चों, तो जल संधि का नाम आपको एटलीस्ट याद रखना है जिससे आसानी हो सके बच्चों आपको याद रखना, ठीक है। ये टॉरस जल संधि है, ठीक है। इसी टॉरस जल संधि के माध्यम से हम अराफुरा सागर से कोरल सी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अराफुरा सागर के माध्यम से हम कोरल सी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कौन कौन से स्थलीय क्षेत्र को ये जल संधि अलग करती है, तो टॉरस जल संधि आप देखेंगे तो पापुआ न्यू गिनी है ना, पापुआ न्यू गिनी के लिए बच्चों इस डायग्राम को आप देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने जिस पॉइंट को बताया यहाँ पर अराफुरा सी के बारे में बताया, इसके साथ ही साथ ये पार्ट बच्चों कोरल सी है, लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा बट मैंने अभी आपको दिखाया था जूम करके, तो अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जो येलो कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है बच्चों पापुआ न्यू गिनी, ये जो पार्ट है पापुआ न्यू गिनी का पार्ट है। और याद रखिएगा यहाँ पर जो पेनिनसुला है वो ध्यान रखिएगा, उस पेनिनसुला का नाम है कैप यॉर्क, है ना, कैप यॉर्क पेनिनसुला। अब इसी पार्ट को बच्चों, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जैसे ही जूम करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के बाद आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कैप यॉर्क प्रायद्वीप, कैप यॉर्क प्रायद्वीप, क्लियर है। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप को कैप यॉर्क प्रायद्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है, इसी जल संधि का नाम है टॉरस जल संधि, है ना, टॉरस जल संधि। तो पापुआ न्यू गिनी को कैप यॉर्क से अलग करने वाली जल संधि का नाम है बच्चों ध्यान रखिएगा टॉरस जल संधि। और इसी जल संधि के माध्यम से अराफुरा सागर से कोरल सी को जोड़ा जाता है। कोरल सी के बाद बच्चों अगर हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग में पहुंच गए, पूर्वी भाग में पहुंचने का मतलब है आप पैसिफिक ओशियन में प्रवेश कर चुके हैं, प्रशांत महासागर में आप प्रवेश कर चुके हैं। और प्रशांत महासागर का ही भाग है कोरल सागर। और इसी प्रशांत महासागर में ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण में अगर आप देखें तो तस्मान सागर है, तस्मान सागर है ना। तो तस्मान सागर ध्यान रखिएगा, तस्मान सागर हमने देखा। तस्मान सागर के बाद बच्चों ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में आप देखोगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपको दिखाई दे रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में आपको लिखा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इसी तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ने वाली जो जल संधि है ना, ध्यान रखिएगा तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ने वाली जो जल संधि है, इसी जल संधि को हम कहते हैं बास जल संधि, है ना, बास जल संधि। क्लियर है। तो दक्षिण भाग में एक और जल संधि आपने देख लिया जो कि तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ने वाली जल संधि है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से देख लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। बास जल संधि, क्लियर है बच्चों। ये बास स्ट्रेट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा। बास स्ट्रेट मैंने आपको अभी अभी बताया कि तस्मान सागर, ये बच्चों तस्मान सागर, और यहां पर आपने पढ़ा कि दक्षिण भाग में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ने वाली जो जलसंधि है, उसी जलसंधि को हम कहते हैं बास जलसंधि। बट बास जलसंधि के माध्यम से विक्टोरिया टेरिटरी जो दिखाई दे रहा है आपको, विक्टोरिया टेरिटरी और तस्मानिया द्वीप, ये दोनों ही अलग हो रहे हैं। विक्टोरिया और तस्मानिया के मध्य भाग में बास जल संधि है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विक्टोरिया की राजधानी हमने देखा है मेलबर्न, और ये मेलबर्न बच्चों ध्यान रखिएगा इसी बास जल संधि के अंतर्गत आपको दिखाई। बास जल संधि में ही विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न, मतलब पोर्ट है विक्टोरिया की राजधानी, एक प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जल संधियां महत्वपूर्ण है, दोनों का नाम हम लोगों ने यहाँ पर जनरली देख लिया है। ठीक है बच्चों, यहीं पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में, है ना, ध्यान रखिएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में एक खाड़ी भी है, ध्यान रखिएगा। उसका नाम मैं यहाँ पर आपको पहले एरो कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसका नाम लिखूंगा। एरो करने से आप अच्छे से समझ जाएंगे बच्चों। इसी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में ध्यान रखिएगा मुर्रे डार्लिंग रिवर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मुर्रे रिवर, है ना, ये वो क्षेत्र है जहां पर मुर्रे रिवर जो है मुहाना बनाती है। ध्यान रखिएगा यही इसी क्षेत्र में मुर्रे डार्लिंग रिवर जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी बेसिन है, वो अपना मुहाना इसी क्षेत्र में बनाती है, इसी गल्फ में बनाती है। और इस पर्टिकुलर गल्फ को हम ध्यान रखिएगा इनकाउंटर की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? इनकाउंटर की खाड़ी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नाम क्या है? इनकाउंटर की खाड़ी, है ना, इनकाउंटर की खाड़ी, गल्फ ऑफ इनकाउंटर। तो गल्फ ऑफ इनकाउंटर जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का ही क्षेत्र है। और बच्चों गल्फ ऑफ इनकाउंटर को हमने देख लिया है, इसके बाद, है ना, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, अगर हम वहां पर देखें तो पश्चिमी भाग में अगर हम आ चुके हैं, इसका मतलब है इंडियन ओशियन में हम पहुंच चुके हैं। और इंडियन ओशियन में बच्चों तिमोर सागर, यहाँ पर आप देखिए तिमोर सागर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कौन सा सागर है बच्चों? तिमोर सागर जो है यहाँ पर मौजूद है। और तिमोर सागर के बाद फिर से अराफुरा सागर, और इसी अराफुरा सागर के अंतर्गत आप देखोगे तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। तो यहाँ पर जनरली हमने दो गल्फ को देखा है। पहला गल्फ सबसे उत्तरी भाग में है, सबसे पहला गल्फ जो है वो उत्तरी भाग में है, और दूसरा गल्फ आप देख सकते उन इनकाउंटर की खाड़ी जो कि दक्षिणी भाग में मौजूद है। तो यहाँ पर दो गल्फ हमने देखा है, बट सागरों की संख्या बच्चों यहाँ पर अधिक है। सागरों की संख्या आप देखिए, सबसे उत्तरी भाग में अराफुरा सागर है, इसके बाद कोरल सागर है, कोरल के बाद ध्यान रखिएगा तस्मान सागर, इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर देख लिया तिमोर सागर। ठीक है, ध्यान रखिएगा तिमोर सागर। तो एटलीस्ट चार सागरों को हमने देखा है, दो गल्फ यहाँ पर मौजूद है, और एक जो है बच्चों बाइट के रूप में आप देखोगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी फिजिकल पार्ट, मतलब भौतिक संरचनाओं का नाम जो है वो बच्चों ग्रेट से शुरू होता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन बेसिन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, तो सभी नाम याद रखिएगा ग्रेट मतलब विहद्र रूप से यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पर केवल और केवल बच्चों बाउंड्री वॉल देखा है। अब बाउंड्री को देखने के बाद हमारा काम है कि बच्चों हम ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि सीमा रेखाओं पर कौन कौन से सागर और खाड़ियां हैं अब आपने यहाँ पर देख लिया है, कौन कौन सी जलसंधियां हैं वो भी आपने यहाँ पर देख लिया है। तो जल्दी से आप मुझे ये बता सकते हैं बच्चों कि क्या आपको यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, क्या आपको याद हो रहा है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि आपको वो सारी चीजें जो है कंफर्म हो सके कि हाँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में हमने किस प्रकार से 6 प्रांतों को देखा है, ठीक है, 6 प्रांतों को देखा है और 6 प्रांतों की राजधानी का नाम हमने देखा। इसके साथ ही साथ हमने इसी ऑस्ट्रेलिया बेसिन में, इसी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में फिजिकल फीचर को हमने स्टार्ट किया और उसके अंतर्गत हमने सभी खाड़ियों को, सभी सागरों को और इसके साथ ही साथ हमने कौन कौन सी जलसंधियां इसे भी हमने यहाँ पर समझा है ना। अब हम बच्चों इसकी फिजिकल फीचर पर पहुंच चुके हैं। फिजिकल फीचर बहुत आसान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के मध्य भाग से होकर के बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है गुजर रही है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर गुजरते हुए आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब तो यही है, ऊपर आप देखेंगे बच्चों तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उत्तरी भाग में, इसके उत्तरी भाग में हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन। और बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दक्षिण भाग में ध्यान रखिएगा टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन है, मतलब मकर रेखा के उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश की विशेषता पाई जाती है। और मकर रेखा के दक्षिण भाग में आप देखोगे तो यहां पर बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता पाई जाती है। तो दोनों प्रकार की जलवायु जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की विशेषता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में व्यापारिक हवाएं भी चलती हैं, पछुआ हवाएं भी चलती है, क्लियर है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर दोनों जलवायु की विशेषता पाई जाती है। बट बच्चों अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर के बात करें तो आप यहाँ पर इस क्षेत्र में आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल पार्ट को हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। 3 भाग में कौन कौन सा भाग है, तो सबसे पूर्वी भाग में आप देखो फैला हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। सेकंड नंबर पर बच्चों ध्यान रखिएगा ये है बच्चों ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ठीक है, मैदानी भाग है ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन। और थर्ड नंबर पर बच्चों ध्यान रखिएगा ये जो थर्ड नंबर का पार्ट है वो क्षेत्र है मरुस्थलीय भाग, है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो कभी भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के फिजिकल पार्ट को, फिजिकल फीचर को आप पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है 3 अलग अलग भौतिक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बच्चों जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के उत्तर से लेकर के मतलब क्वींसलैंड से लेकर के आप देख सकते हो क्वींसलैंड से लेकर के दक्षिण भाग में बच्चों विक्टोरिया प्रांत है, विक्टोरिया प्रांत तक फैला हुआ है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, है ना। इस क्षेत्र में आप देखिए उत्तर से लेकर के दक्षिण भाग तक, है ना, उत्तर से लेकर के दक्षिण भाग तक जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो विस्तार है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ही 3 अलग अलग प्रांतों में है। क्वींसलैंड में भी बच्चों इसका विस्तार है जिसकी राजधानी हमने देखा है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स में भी इसका विस्तार है, न्यू साउथ वेल्स में भी इसका विस्तार है जिसकी राजधानी आपने देख लिया है ना। कौन सी राजधानी है बच्चों न्यू साउथ वेल्स की, तो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था अगर आप सभी को याद होगा तो सिडनी, है ना, BSC। और बच्चों यहाँ पर विक्टोरिया प्रांत भी मौजूद है, विक्टोरिया प्रांत सबसे दक्षिण भाग में। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी हमने देखा है बच्चों यहाँ पर मेलबर्न है ना। तो 3 अलग अलग प्रांतों में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है। और ध्यान रखिएगा इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को पढ़ना बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपको यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखाई दे रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में बच्चों जो ये वाला भाग है, इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, ये जिसे मैं सर्कल में कर रहा हूं बच्चों, ये वाला जो भाग है ध्यान रखिएगा क्वींसलैंड का, यहाँ पर है वाइपा की खाड़ी, है ना, वाइपा, ठीक है। वाइपा एक्चुअल में खाड़ी नहीं है, ये एक्चुअल में कारपेंट्रिया की खाड़ी में ये मौजूद है। खनन क्षेत्र है, बॉक्साइट की प्राप्ति इस क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में होती है, ठीक है। किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? तो बॉक्साइट की प्राप्ति जो है वाइपा की खाड़ी से हम सर्वाधिक मात्रा में करते हैं। तो ये वाइपा की खाड़ी एक्चुअल में कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा वाइपा की खाड़ी बच्चों, ध्यान रखिएगा यहां पर हमने कारपेंट्रिया की खाड़ी देखा था, ये देखिए गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी में ही एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है वाइपा, जहां से सर्वाधिक मात्रा में हम बॉक्साइट का खनन करते हैं। वहीं बच्चों क्वींसलैंड ध्यान रखिएगा, वहीं क्वींसलैंड प्रांत में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है, यहीं पर एक माउंटेन पाया जाता है जिस माउंटेन का नाम है माउंटेन ईसा, है ना, ईसा की पहाड़ियां, माउंटेन ईसा, ठीक है। ये ईसा की पहाड़ी की विशेषता है कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सीसा एवं जस्ता की प्राप्ति हम करते हैं माउंट ईसा में। बच्चों यहीं पर आप देखोगे क्वींसलैंड में तो माउंट ईसा आपने देख लिया, न्यू साउथ वेल्स में ब्रोकन हिल्स है, ठीक है। ये ब्रोकन हिल्स जो है सर्वाधिक मात्रा में इसी पहाड़ी से, इसी हिल्स से हम चांदी की प्राप्ति करते हैं। और ध्यान रखिएगा अंतिम में हम ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को, लेकिन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हम उस विस्तार को ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के नाम से जानते हैं जो विस्तार न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत में है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट एटलीस्ट पढ़ा है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बच्चों वाइपा जो कि बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बाद हमने माउंट ईसा का नाम देखा, माउंट ईसा। इसके बाद बच्चों ब्रोकन हिल्स के बारे में देख लिया, चांदी की प्राप्ति सर्वाधिक मात्रा में हो रही है, और इसके साथ ही साथ हम ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कह रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। सर्वोच्च चोटी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी माउंट कॉस्क्यूस्को है जो कि ध्यान रखिएगा विक्टोरिया प्रांत में है, और माउंट कॉस्क्यूस्को की ऊंचाई जो है ध्यान रखिएगा 2229 मीटर है माउंट कॉस्क्यूस्को। तो पूरे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी हमने देख लिया। तो यहाँ तक बच्चों कंप्लीट होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सभी विशेषताएं, है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सभी विशेषताओं में एक विशेषता और भी है जिसे मैं आप सभी को बता देता हूं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बच्चों ध्यान रखिएगा जलवायु को क्या कर देता है? परिवर्तित करता है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में, और पश्चिमी भाग जो है शुष्क क्षेत्र होता है। इसका मतलब है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जलवायु विभाजक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी भाग में, है ना, मैं डायग्राम से शो कर देता हूं, हाँ क्या इस डायग्राम से भी बच्चों, इस डायग्राम में देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो पूर्वी भाग है, इसी पूर्वी भाग में ब्रिस्बेन जो कि महत्वपूर्ण नगर है, राजधानी नगर है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है ना, इसके साथ ही साथ गोल्ड कोस्ट है ना, ध्यान रखिएगा ये सभी महत्वपूर्ण शहर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व दिशा में पाए जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इन क्षेत्रों में नमी पाई जाती है, वर्षा होती है, वर्षा होती है। और इसके साथ ही साथ इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, जैसे जैसे पश्चिमी क्षेत्र में आप दूरी बनाओगे, थोड़ी सी दूरी पर जाओगे, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे क्षेत्र शुष्क हो जाता है। और आप सभी जानते हो कि पश्चिमी क्षेत्र में मैदानी भाग है, और उससे भी थोड़ी सी दूरी बना ले तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे बेसिन क्षेत्र, सॉरी मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पूर्वी भाग जो है आर्द्र भाग है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो पश्चिमी भाग है बच्चों, वो शुष्क भाग है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो जलवायु विभाजक की श्रेणी के अंतर्गत ये जो है रेंज फैला हुआ है। तो जल्दी से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए कि क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सारे पॉइंट को मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है, क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सारा पॉइंट आपको याद हुआ या नहीं, आपको क्लियर है या नहीं। बच्चों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अगर क्लियर है तो हमारा नेक्स्ट पार्ट बनता है, कुछ प्लेट्यूज के बारे में हमें समझना है, ठीक है। कुछ प्लेट्यूज के बारे में बच्चों हमें समझना है, जैसे कौन कौन से प्लेट्यू के बारे में समझना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा वो कौन कौन से प्लेट्यूज है। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सबसे दक्षिण में, मतलब हम कहें, सॉरी, यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों फ्लिंडर्स रेंज, ये फ्लिंडर्स रेंज मौजूद है। आप देख पा रहे हैं कहां पर फ्लिंडर्स रेंज है। ये फ्लिंडर्स रेंज बच्चों ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मौजूद एक ऐसी रेंज है जो कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसी फ्लिंडर्स रेंज के, ये मान लीजिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ये बच्चों फ्लिंडर्स रेंज है, मान लीजिए कि ये फ्लिंडर्स रेंज है। फ्लिंडर्स रेंज के पूर्वी भाग में मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन है, मुर्रे डार्लिंग रिवर मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन मौजूद है। और ये रिवर बेसिन नॉर्मल बेसिन नहीं है, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है, मतलब भ्रंश घाटी मौजूद है ना। फ्लिंडर्स रेंज के पूर्वी भाग में मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन है, और यहाँ से ये रिवर जो है प्रवाहित हो रही है, बह रही है, और ये रिवर जो है बच्चों भ्रंश घाटी में बह रही है। इसका मतलब है आप समझ गए होंगे कि पर्वत, ये फ्लिंडर्स रेंज मौजूद है, पर्वत के पूर्वी भाग में भ्रंश घाटी है, और पश्चिमी भाग में भी बच्चों ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, कौन सी बेसिन है बच्चों, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ध्यान रखिएगा ग्रेट आर्टिजन बेसिन मौजूद है। और इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिमी भाग में भी बेसिन क्षेत्र, गहरा क्षेत्र मौजूद है, ठीक है। और यही रीजन है कि कभी भी दो गहरे क्षेत्र, दो भ्रंश घाटियों के मध्य में अगर कोई उठा हुआ क्षेत्र, उठा हुआ पर्वतीय भाग होता है तो हम उसे ब्लॉक माउंटेन मानते हैं। ये जो माउंटेन है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ये जो माउंटेन है, ये जो रेंज है, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है फ्लिंडर्स, फ्लिंडर्स रेंज। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ये फ्लिंडर्स रेंज निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। अब ब्लॉक माउंटेन पूछ रहा है बच्चों तो आपको ब्लैक फॉरेस्ट तो पूछेगा नहीं, है कि नहीं। तो जो चर्चा में आपको दिखाई देता है वहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ध्यान रखिएगा, वहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं जहां पर बच्चे पढ़ने के बाद भी उन चीज को स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो फ्लिंडर्स रेंज आपने देखा, इसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर हम अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है पर्थ। पर्थ से ही लगा हुआ, जुड़ा हुआ बच्चों एक रेंज है जिसका नाम है डार्लिंग रेंज, है ना। इस डार्लिंग रेंज की विशेषता क्या है कि ये डार्लिंग रेंज जो है ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की बच्चों विशेषता क्या है। विशेषता है कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। और शीत ऋतु में भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फ्रूट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर जूसी फ्रूट्स पाए जाते हैं, रसदार फल पाए जाते हैं। ठीक है, और बच्चों रसदार फल पाए जाएंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाता है, उन्हीं फलों के रसों को निर्यात भी किया जाता है, उन्हीं फल के रसों से जो है जैम्स भी बनाया जाता है, उन्हीं फलों के रसों से अल्कोहल भी बनाया जाता है, उन्हीं फलों के रसों से ध्यान रखिएगा कई प्रकार के सेंट भी बनते हैं, उन्हीं फलों से जो है अचार का भी निर्माण होता है, उन्हीं फलों से कई प्रकार के जो है एसेंस का भी निर्माण होता है, बनता है। तो एक कच्चे पदार्थ से, एक रॉ मटेरियल से कई अलग अलग पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जिसे हम खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के अंतर्गत हम करते हैं, जिससे उद्योग बढ़ता है। ठीक है, और अलग अलग चीजों का निर्माण करेंगे बच्चों तो स्वाभाविक सी बात है उत्पादन में भी वृद्धि होगी, रोजगार भी सृजन होगा, और हम उसका निर्यात भी कर पाएंगे। और निर्यात करने के लिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर पर्थ बंदरगाह मौजूद है, तो इसी पर्थ वाले क्षेत्र से ही हम क्या करते हैं, इसका निर्यात भी करते हैं। इसके साथ ही साथ ये डार्लिंग रेंज आप देख रहे हो, इसी डार्लिंग रेंज के बहुत ही पास में कालगुर्ली और कूलगार्डी का क्षेत्र है, कालगुर्ली और कूलगार्डी का क्षेत्र है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में बच्चों गोल्ड, सर्वाधिक मात्रा में गोल्ड मतलब सोना की प्राप्ति होती है, सोना की प्राप्ति होती है। और आप यहां से ये समझ गए होंगे कि अगर सोना इस क्षेत्र में सर्वाधिक मिलेगा तो इस सोना का हम निर्यात भी करेंगे, तो सोना का निर्यात के लिए भी ये आपका पर्थ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो पर्थ सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है ना। क्यों महत्वपूर्ण है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है इसलिए महत्वपूर्ण है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है इसलिए महत्वपूर्ण है। यहीं पर खाद्य प्रसंस्करण केंद्र पाया जाता है, उद्योग के मामले में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है। यहीं पर डार्लिंग रेंज है, और इसी क्षेत्र से होकर के महंगे महंगे धातुएं मतलब सोना को भी हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ये डार्लिंग रेंज की विशेषताएं हैं। डार्लिंग रेंज के साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, डार्लिंग रेंज के साथ ही साथ थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जिससे हौच-पौच जैसा ना फील हो, हौच-पौच जैसा फील ना हो। यहाँ पर आपने डार्लिंग रेंज तो देख लिया, डार्लिंग रेंज के बाद अगला पॉइंट क्या है? तो डार्लिंग रेंज के बाद बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान रखिएगा, डार्लिंग रेंज के बाद बच्चों हैमर्सली, ठीक है, हैमर्सली रेंज जो है यहाँ पर मौजूद है इस क्षेत्र में, हैमर्सली रेंज, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हमें लोहा की प्राप्ति होती है, आयरन, ध्यान रखिएगा, आयरन फेरस की प्राप्ति जो है वो हैमर्सली रेंज में होगा। और हैमर्सली रेंज के बाद बच्चों किम्बरले रेंज, यहाँ पर किम्बरले रेंज नहीं है, किम्बरले प्लेट्यू है, पठार है, ठीक है, किम्बरले का पठार यहाँ पर मौजूद है। और किम्बरले पठार के बाद बच्चों मैकडनल रेंज है, ये जो मध्य भाग आपको दिखाई दे रहा है ये मैकडनल रेंज है, और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में याद रखिएगा हम बच्चों लेड की प्राप्ति करते हैं, लेड सर्वाधिक मात्रा में हम इसी मैकडनल रेंज से प्राप्त करते हैं। तो जितने भी रेंज हैं उन सभी रेंजों के बारे में आपने देख लिया है ना, सभी रेंजों के बारे में आपने देख लिया। सबसे पहले नंबर पर हमने फ्लिंडर्स रेंज के बारे में पढ़ा, इसके बाद बच्चों डार्लिंग रेंज के बारे में पढ़ा, थर्ड नंबर पर आप हैमर्सले रेंज के बारे में आपने देखा, किम्बरले का पठार भी देख लिया, और बच्चों यहाँ पर मैकडनल रेंज भी देख लिया। तो सभी रेंजों को हमने एक लाइन में देख लिया। जल्दी से आप सभी बताइए कि क्या इस डायग्राम को देखने के बाद, है ना, इस डायग्राम को देखने के बाद आपको ये पांचों रेंज और उनकी विशेषताओं के बारे में आपने देखा या नहीं। ठीक है, जल्दी से आप मैसेज करेंगे, मैं आप सभी के मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं जो न्यू बच्चे हैं, एक बार बच्चों लाइक के बटन पर क्लिक करते जाइएगा जिससे ये सेशन सभी बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि हमने बच्चों अभी तक रेंज देखा है, ठीक है। रेंज के बाद यहाँ पर डेजर्ट भी है, ठीक है, डेजर्ट भी है। और डेजर्ट आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कर देता हूं जिससे आप एक्चुअल में देख पाओ। बच्चों सिम्पसन डेजर्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट के बाद याद रखिएगा तनामी डेजर्ट। तनामी के बाद बच्चों ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट के बाद गिब्सन, गिब्सन डेजर्ट। और अंतिम में आप देखोगे तो विक्टोरिया डेजर्ट। तो 5 डेजर्ट याद रखिएगा, कौन कौन सा? सिम्पसन, तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और बच्चों ग्रेट विक्टोरिया। अगर आप स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो यहीं से बच्चों प्रश्न बना लेता है कि उत्तर से दक्षिण भाग में जाने पर कौन कौन से डेजर्ट आपको दिखाई देंगे, उसे आप लिखिए। तो कौन कौन से डेजर्ट दिखाई देंगे? तो सबसे ऊपर में बच्चों ध्यान रखिएगा तनामी डेजर्ट, तनामी के बाद में ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और सबसे दक्षिण भाग में आपको दिखाई देगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ही वो डेजर्ट है जो सबसे बड़ा डेजर्ट है। और यहाँ पर 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा कालगुर्ली और कूलगार्डी, 2 क्षेत्र यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक है बच्चों कालगुर्ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कूलगार्डी, ये 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही क्षेत्रों के द्वारा हमें सोना की प्राप्ति होती है, गोल्ड की प्राप्ति होती है। तो विक्टोरिया डेजर्ट सबसे महत्वपूर्ण है और इसी डेजर्ट के थ्रू ध्यान रखिएगा हमें सोना की प्राप्ति होती है, जिसे हमने पढ़ा भी कि पर्थ बंदरगाह के द्वारा हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। बट और भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं बच्चों ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जहां से हमें बहुत सारे मिनरल्स की प्राप्ति होती है। एक ना पहला पॉइंट तो आपने पहले ही देख लिया था, वाइपा की खदानें। वाइपा कहाँ पर हमने पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये अब है बच्चों कारपेंट्रिया की खाड़ी, क्लियर है। और इसी कारपेंट्रिया की खाड़ी में आपने देखा था वाइपा, ठीक है, वाइपा। तो वाइपा जो है ध्यान रखिएगा ये खदानें हैं जिन खदानों से हमें बॉक्साइट की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट की प्राप्ति 2 जगहों से हो रही है। कौन कौन से 2 जगहों से हो रही है? एक यहाँ पर आप वाइपा की खाड़ी देख रहे हैं, दूसरा है बच्चों नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अर्नाहम लैंड, है ना। नॉर्दर्न टेरिटरी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अर्नाहम लैंड और इसी अर्नाहम लैंड में भी बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। अर्नाहम लैंड में केवल बॉक्साइट नहीं पाया जाता, अर्नाहम लैंड में बच्चों बॉक्साइट के साथ ही साथ यूरेनियम, यूरेनियम की भी प्राप्ति सर्वाधिक होती है। तो बॉक्साइट 2 क्षेत्रों से हमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से मिल रहा है, वो है वाइपा की खदानें और अर्नाहम लैंड। यहाँ पर अब्राहम लिखा हुआ है बच्चों, अर्नाहम है वो, है ना। तीसरे नंबर पर हमने हैमर्सले रेंज देखा था। हैमर्सले कहाँ पर देखा था? अगर आप सभी को याद होगा तो हमने बच्चों हैमर्सले रेंज देखा था, ये वाला क्षेत्र, ये देखिए हैमर्सले रेंज हमने देखा था जहां पर लोहा की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। ये हैमर्सले रेंज में जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो है बच्चों पिलबरा, पिलबरा क्षेत्र से ध्यान रखिएगा, पिलबरा क्षेत्र से हमें हैमर्सले रेंज में भी पिलबरा क्षेत्र से हमें लोहा की प्राप्ति होती है, ठीक है, लोहा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ ब्रोकन हिल्स, ठीक है, ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स बच्चों ध्यान रखिएगा फ्लिंडर्स रेंज हमने देखा। फ्लिंडर्स रेंज के ही समीप मौजूद है ब्रोकन हिल्स, जहां से हमें सीसा और जस्ता की प्राप्ति होती है। ब्रोकन हिल्स हमने भी देखा था अगर आप सबको याद हो। यहां पर देखिए ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, जहां पर चांदी की प्राप्ति हमने देखा था सर्वाधिक होती, ये ब्रोकन हिल्स है। ठीक है, ऊपर में हमने माउंट ईसा देखा, यहाँ पर माउंट ईसा है। तो वही पार्ट बच्चों यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माउंट ईसा 7वें नंबर पर, जहां पर शीशा, जस्ता, तांबा और चांदी। ब्रोकन हिल में शीशा, जस्ता के साथ ही साथ चांदी का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का मिनरल्स पार्ट आपने यहाँ पर समझा है, ऑस्ट्रेलिया का मिनरल्स पार्ट। ठीक है, हम कैसे रिवाइज करें, ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो मिनरल्स पार्ट हमने पढ़ा है उसको हम कैसे बच्चों रिवाइज करें, तो मैं यहाँ पर रिवाइज करने का एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले वाइपा की खजानों से बच्चों हम क्या प्राप्त करेंगे, बॉक्साइट की प्राप्ति करेंगे। माउंट ईसा हमने देखा, माउंट ईसा से, ये माउंट ईसा जो है यहां से हमें किसकी प्राप्ति होगी, तो सीसा और जस्ता की प्राप्ति होगी। ब्रोकन हिल्स है, ब्रोकन हिल्स से हमें चांदी की सर्वाधिक मात्रा में प्राप्ति होगी, है ना। इसके साथ ही साथ बच्चों हमने यहां पर देख लिया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में कालगुर्ली और कूलगार्डी, जहां से हमें सोना की प्राप्ति सर्वाधिक हो रही है। पिलबरा क्षेत्र है, पिलबरा क्षेत्र में हमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा, आयरन की प्राप्ति हो रही है। अरनाहम लैंड जो है वहां पर हमें बॉक्साइट तो मिल ही रहा है, इसके साथ ही साथ यूरेनियम भी मिल रहा है। यहाँ पर हमने मैकडनल रेंज देखा था, मैकडनल रेंज में सर्वाधिक मात्रा में लेड हमें मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप सभी को ये पढ़ना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में किन किन क्षेत्रों से हमें किन किन मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स की प्राप्ति हो रही है। क्लियर है, तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या मिनरल्स वाला पार्ट क्लियर है बच्चों। जितने बच्चे जुड़े हुए सभी बच्चे जल्दी से मैसेज करके बता सकते हैं कि यहाँ वाला पार्ट क्लियर है, जिससे बच्चों हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और जितने नए बच्चे जुड़ने हैं वो सभी बच्चे एक एक बार लाइक के बटन पर क्लिक करते जाइएगा बच्चों, जिससे ये सेशन सभी बच्चों तक पहुंच सके। क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट से बहुत सारी चीजें जो है आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम ऑस्ट्रेलियन रिवर्स के बारे में बच्चों हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। वैसे तो 6 से 7 नदियां हैं, बट मैं यहाँ पर बच्चों कुछ प्रमुख नदियों के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसमें सबसे प्रमुख नदी में है मुर्रे डार्लिंग रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, और बच्चों 3rd नंबर पर आप देखेंगे तो स्वान रिवर, स्वान नदी। तो ये 3 नदियां जो है ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले मुर्रे डार्लिंग रिवर को समझते हैं। ठीक है, मुर्रे डार्लिंग रिवर का नोट्स तो आपने देख लिया, बट मैं यहाँ पर बच्चों कुछ पॉइंट को आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा है, वैसे तो पहले यहाँ पर देख लीजिए। मुर्रे नदी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, ठीक है, और डार्लिंग नदी न्यू इंग्लैंड रेंज से निकलती है। ठीक है बच्चों, डार्लिंग रिवर जो है ध्यान रखिएगा, क्वींसलैंड आपने पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो सबसे उत्तरी भाग है क्वींसलैंड है। इसी क्वींसलैंड को ही हम कहते हैं न्यू इंग्लैंड। क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, न्यू इंग्लैंड, है ना। न्यू इंग्लैंड के नाम से हम इसे जानते हैं। इसी न्यू इंग्लैंड से होकर के एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है डार्लिंग रिवर, और ये सबसे बड़ी नदी है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। और वहीं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, है ना, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स आप जानते हैं कि हम विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हम उसी को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, तो नाम याद रखिएगा। विक्टोरिया प्रांत से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है मुर्रे रिवर, मुर्रे नदी, है ना। ये दोनों ही नदियां बच्चों आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, और मिलने के बाद ये फाइनली जाकर के विलीन हो जाती है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहां पर बच्चों विलीन हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा इनकाउंटर में, ठीक है, इनकाउंटर की खाड़ी, ये याद रखिएगा, गल्फ ऑफ इनकाउंटर की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ इनकाउंटर, क्लियर है, यहां पर जाकर के विलीन हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मुर्रे डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया की मात्र एक ऐसी नदी है, मात्र एक ऐसी नदी है जिस नदी के दोनों ही क्षेत्रों में, जिस नदी के दोनों ही क्षेत्रों में मतलब दोनों ही दिशाओं में, नदियों के जो बेसिन वाला जो क्षेत्र है, ये बेसिन वाले क्षेत्रों में बच्चों नमी पाई जाती है, क्योंकि ये सतत वाहिनी नदी है, वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है, वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है। इस वजह से इस क्षेत्र में, इस नदी के बेसिन वाले क्षेत्र में वर्ष भर नमी पाई जाती है, और वर्ष भर नमी पाई जाती है, इस वजह से गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, ठीक है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इस वजह से इस क्षेत्र को हम रेवेरीना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेवेरीना, ध्यान रखिएगा, रेवेरीना क्षेत्र भी हम कहते हैं। तो रेवेरीना का मतलब समझ जाइए कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा नदी बेसिन वाला क्षेत्र जहां पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में हो रहा हो, ठीक है। अब थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट पर हम बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पर नोट्स के रूप में ये सभी नोट्स बच्चों टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो जो बच्चे नए होंगे, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, वो बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे आप जो है आपको ये सारे नोट्स बच्चों मिल सके, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो मुर्रे नदी है, मुर्रे नदी के बारे में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकली हुई है ना, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकली हुई है। और डार्लिंग रेंज बच्चों न्यू इंग्लैंड रेंज से, ठीक है, डार्लिंग रेंज, डार्लिंग नदी कहाँ से निकली हुई है? न्यू इंग्लैंड रेंज से निकली हुई है, मतलब क्वींसलैंड। दोनों ही नदी ध्यान रखिएगा वेंटवर्थ शहर में, है ना, वेंटवर्थ शहर में ये आपस में मिल जाती है, और मिलने के बाद ही इस नदी के बेसिन को हम कहते हैं मुर्रे डार्लिंग नदी बेसिन हम कहते हैं, जो कि एनकाउंटर की खाड़ी में हमने आपको बताया कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है बच्चों, इसी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में ये नदी जाकर के विलीन हो जाती है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा जूम करके आप सबको पढ़ा दूं। पहला पॉइंट देखिएगा, इसके विशेषता क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मुर्रे नदी, ठीक है, जो कि 2508 किलोमीटर की लंबाई में है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां से प्रश्न बनते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मुर्रे नदी, 2508 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे लंबी नदी आप देख सकते हो मुरुमबीज नदी है, मुरुमबीज नदी, ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे लंबी नदी मुरुमबीज, जो कि सहायक नदी है। मुरुमबीज कैसी नदी है बच्चों? सहायक नदी, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, मुरुमबीज नदी के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तीसरी सबसे लंबी नदी आप देख सकते हो डार्लिंग नदी है, जिसकी लंबाई 1472 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई जो है 1472 किलोमीटर है, डार्लिंग नदी, क्लियर है। तो यहां पर आपने ये देख लिया कि किस प्रकार से मुर्रे और डार्लिंग नदी जो है वो बह रही है, ठीक है, क्लियर है। अब मुर्रे डार्लिंग रिवर तो आपने देख लिया, यहां पर आप ये भी देख सकते हो, देखिए यहां पर डार्लिंग रिवर बेसिन है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये डार्लिंग रिवर है बच्चों, ये है मुर्रे बेसिन, दोनों ही जहां पर मिल रहे हैं, ये है वेंटवर्थ क्षेत्र, वेंटवर्थ शहर, और ये फाइनली जाकर के ध्यान रखिएगा इनकाउंटर की खाड़ी में विलीन हो रही है। और जहां पर ये विलीन हो रही है, वहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, उसी क्षेत्र को हमने नाम दे दिया रेवेरीना, क्लियर है आपका डार्लिंग मुर्रे रिवर। अब आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमें कुछ और पॉइंट भी पढ़ना है, जैसे कि याद रखिएगा ये जो सेकेंड नाम है फ्लिंडर्स, फ्लिंडर्स रिवर, फ्लिंडर्स रिवर कहां पर प्रवाहित होती है? तो फ्लिंडर्स रिवर के बारे में भी मैं यहां पर ड्रॉ करके बता देता हूं। फ्लिंडर्स रेंज बच्चों महत्वपूर्ण रेंज है, बट नदी भी महत्वपूर्ण है, कहां पर प्रवाहित होती है इसके बारे में आप देख लीजिए, ये बच्चों फ्लिंडर्स नदी जो है ये याद रखिएगा क्वींसलैंड है ना, क्वींसलैंड। यहां पर आपने देखा है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया ये आपने यहां पर देख लिया है। कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी में ही हमने वाइपा की खदानों के बारे में पढ़ा था, जहां पर बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। बच्चों इसी बॉक्साइट को ध्यान रखिएगा, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन तक कैसे पहुंचाया जाए, तो परिवहन की आवश्यकता होगी उसके लिए, और परिवहन के रूप में ही ध्यान रखिएगा इसी क्षेत्र में एक रिवर जो है वो बहती है, जिस रिवर का नाम है फ्लिंडर्स नदी। तो फ्लिंडर्स नदी वो नदी है जिस नदी के माध्यम से जो है बॉक्साइड को है ना, बॉक्साइड को बच्चों ब्रिस्बेन तक पहुंचाया जाता है, राजधानी तक पहुंचाया जाता है, जिससे हम ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का यूज कर सके और जितने मात्रा में बॉक्साइट बच जाएगा हम उसे इसी ब्रिस्बेन बंदरगाह के द्वारा अन्य देशों में क्या कर सके, निर्यात कर सके। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर जल परिवहन, फ्लिंडर्स नदी ध्यान रखिएगा, फ्लिंडर्स नदी वो नदी है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जिसके माध्यम से जल परिवहन होता है। और केवल बच्चों फ्लिंडर्स ही नहीं है, कारपेंट्रिया की खाड़ी में विलीन होने वाली नदी में से नॉर्मन चूंकि काफी छोटी नदी है, नॉर्मन कैसी नदी है बच्चों, काफी छोटी नदी है नॉर्मन, और नॉर्मन काफी छोटी नदी है, इस वजह से यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये देखिए फ्लिंडर्स है, ये भी कारपेंट्रिया की खाड़ी में विलीन हो रही है, नॉर्मन भी बच्चे यहाँ पर कारपेंट्रिया की खाड़ी में ही विलीन हो रही है। तो ये दोनों ही नदियां जो है ध्यान रखिएगा कारपेंट्रिया की खाड़ी में विलीन होने वाली नदी है। अब क्या कीजिए, अब हम इस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए फ्लिंडर्स नदी के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा जिससे क्वालिटी आप में आ सके। फ्लिंडर्स नदी क्वींसलैंड प्रांत की सबसे लंबी नदी है, क्वींसलैंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 1004 किलोमीटर की लंबाई में ये बहती है, जो कि क्वींसलैंड से निकलकर कारपेंट्रिया की खाड़ी में गिरती है। ये देखिए कारपेंट्रिया की खाड़ी में गिरती है। इसका नाम, इस नदी का नाम जो है क्वींसलैंड के खोजकर्ता, क्वींसलैंड को जिसने पहली बार खोजा था मैथ्यू फ्लिंडर्स के सम्मान में रखा गया था। क्वींसलैंड को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है मैथ्यू फ्लिंडर्स, और उन्हीं के नाम की वजह से, उनके सम्मान में ही इस नदी का नाम जो है फ्लिंडर्स नदी रखा गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या है, तीसरी नदी कौन सी है, स्वान नदी। स्वान नदी भारत में लूनी नदी, ध्यान रखिएगा भारत में लूनी नदी की जो विशेषता है वही विशेषता याद रखिएगा स्वान नदी की है। और स्वान नदी में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं जिससे क्लियर हो सके। देखिए बच्चों स्वान नदी के बारे में पढ़िए ध्यान से। डार्लिंग रेंज से निकलकर के ये नदी पर्थ के समीप हिंद महासागर में गिरती है। पर्थ बंदरगाह इस नदी के तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर, केवल और केवल 72 किलोमीटर की लंबाई में ये बहने वाली नदी है, केवल और केवल बच्चों 72 किलोमीटर। अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, आपको यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इस डायग्राम में। बच्चों आप ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग को देखिए। ये इसलिए रखा हूं कि मैं आपको रिवर्स को अच्छे से समझा पाऊं। ये डार्लिंग रेंज है, यहीं से, इसी रेंज से निकल करके एक रिवर जो है वो पर्थ बंदरगाह के समीप जा करके इंडियन ओशियन में विलीन होती है। कितने किलोमीटर की लंबाई में बहती है, 72 किलोमीटर की लंबाई में। नाम क्या है बच्चों, स्वान नदी है। और इस स्वान नदी की विशेषता ये है कि ये स्वान नदी के जहां पर विलीन हो रही है हिंद महासागर में, उसी क्षेत्र में पर्थ बंदरगाह है। और पर्थ बंदरगाह कितना महत्वपूर्ण है, वो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो तीन नदियां ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। मुर्रे डार्लिंग रिवर हमने देखा, फ्लिंडर्स रेंज देखा, फ्लिंडर्स रिवर देखा, स्वान रिवर देख लिया। तो क्या नदियों के बारे में आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? जल्दी से बच्चों आप मैसेज कीजिएगा, जितने बच्चों का मैं मैसेज देख पा रहा हूं जल्दी से आप सभी मैसेज कीजिएगा, जिससे मैं एटलीस्ट देख पाऊं। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो लाइक के बटन पर क्लिक करते जाए बच्चों, जिससे सेशन जो है वो सभी बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, ये जो मैं पार्ट बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, ये पार्ट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, है ना। अब याद क्या रखना है, यहाँ पर बच्चों एक लेक है, एक झील है, ध्यान रखिएगा। फ्लिंडर्स रेंज हमने पढ़ा था, फ्लिंडर्स रेंज याद आ रहा आप सभी को? फ्लिंडर्स रेंज कहाँ पर पढ़ा था? तो फ्लिंडर्स रेंज आप सभी को याद होना चाहिए, जो फर्स्ट नंबर लिखा गया ये देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहां पर बच्चों ये फ्लिंडर्स रेंज हमने पढ़ा था, ये देखिए फ्लिंडर्स रेंज। इसी फ्लिंडर्स रेंज के उत्तरी भाग में, इसी फ्लिंडर्स रेंज के उत्तरी भाग में एक झील है जिसका नाम है लेक आयरे। और उस झील की विशेषता ये है कि वो झील पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे गहरा क्षेत्र है, सबसे गहरा स्थान है। और गहरा स्थान होने की वजह से ही इसी झील पर बच्चों ध्यान रखिएगा, इसी झील के समीप जो है सभी ध्यान रखिएगा सभी जो है नदियां आकर के विलीन होती है, लेक आयरे की विशेषता है। ठीक है, तो लेक आयरे याद रखिएगा फ्लिंडर्स रेंज के नॉर्थ में मौजूद है लेक आयरे। और लेक आयरे की विशेषता ही है कि सबसे गर्त, सबसे नीचा स्थान होने के कारण सारी नदियां यहां पर आकर के अपना मुहाना बनाती है। क्लियर है ये बात? कुछ यहां पर बच्चों एक प्लेन है जिसे हम कहते हैं नल्ला बार प्लेन, अब नल्ला बार प्लेन की विशेषता क्या है, हम इस प्लेन के बारे में क्यों पढ़ें, तो इसके बारे में क्यों पढ़े, इसके लिए आपको इस डायग्राम से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझ जाइए, लास्ट का पॉइंट चल रहा है और आपको बहुत आसानी से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर बच्चों मैं ये कहने वाला हूं, यस बच्चों पर्थ तो आपने देख लिया, ठीक है पर्थ तो आपने देख लिया है ना, पर्थ कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पर्थ से लेकर के कालगुर्ली कूलगाड़ी से होते हुए एक ट्रेन चलाया गया है जिसे एडिलेड शहर तक जोड़ा गया है। कहां तक जोड़ा गया बच्चों? एडिलेड तक जोड़ा गया। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहता हूं। अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पर्थ शहर से लेकर के, पर्थ बंदरगाह से लेकर के कालगुर्ली कूलगाड़ी और बच्चों एडिलेड तक जोड़ा गया। एडिलेड मतलब ध्यान रखिएगा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड। यहां तक ट्रेन परिवहन के माध्यम से इन क्षेत्रों को जोड़ा गया, जिससे फायदा क्या है, जिससे फायदा ये है कि कालगुर्ली और कूलगाड़ी से मिलने वाला जो सोना है, जिससे मिलने वाला जो धातु है, उसे हम पर्थ बंदरगाह तक ट्रेन के माध्यम से ले जाएंगे और वहां से बच्चों अन्य देशों में निर्यात कर सके, या फिर हम किसी दूसरे देश से पर्थ पर अगर हम आयात कर रहे हैं तो पर्थ पर आयात किया हुआ जो वस्तु है अगर हमें पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में फैलाना है ना, ले जाना है, तो हम इसी नल्ला बार मैदान में जो ट्रेन आपको दिखाई दे रहा है इसी ट्रेन के माध्यम से हम एडिलेड तक लेकर के चले जाएंगे। अच्छा, एडिलेड के बाद भी बच्चों ध्यान रखिएगा, एडिलेड के बाद भी ट्रेन को जोड़ दिया गया है सिडनी से, सिडनी के बाद ब्रिस्बेन से। तो सिडनी जो है वो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है और ब्रिस्बेन जो है ध्यान रखिएगा ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी है। अब आप देखिए अब आप देखिए इस ट्रेन रूट का फायदा क्या है। ये ट्रेन रूट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पर्थ बंदरगाह को आप देख सकते हो ब्रिस्बेन तक जोड़ दिया गया है। और बच्चों जोड़ने से क्या फायदा मिला है, ब्रिस्बेन में जो हमने वाइपा की खानों को देखा था जहां से बॉक्साइट की प्राप्ति हो रही थी, इस बॉक्साइट को ब्रिस्बेन से होते हुए सिडनी से होते हुए एडिलेड से होते हुए पर्थ तक पहुंचाया जा सकता है और पर्थ से निर्यात किया जा सकता है। और वहीं इस कालगुर्ली और कूलगाड़ी में जो सोना मिल रहा है, जो गोल्ड मिल रहा है, जो ज्वेलरी बन रही है, इस ज्वेलरी को भी हम ब्रिस्बेन तक पहुंचा सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो दक्षिणतम भाग है, तो जो दक्षिणतम भाग है, इसी दक्षिणतम भाग को ही हम नल्ला बार प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नल्ला बार प्लेन कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, बात समझ रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं या फिर बन सकते हैं, ये सारे पार्ट को बच्चों मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। ठीक है, सारे पार्ट को ध्यान रखिएगा क्लियर कर दिया है। ठीक है, आप नल्ला बार प्लेन में ये देख सकते हो, यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका ट्रेन के माध्यम से कैसे एडिलेड तक के शहर को जोड़ दिया गया है ना। ये केवल और केवल परिवहन के लिए ये नल्ला बार प्लेन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो कैसा लगा बच्चों ये सेशन, जरूर मुझे बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, है ना, जिससे हमें ये समझ में आए कि आपको इससे कितना फायदा हो रहा है। क्लियर है ना? आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है और आपके एग्जाम के लिए बच्चों बेनिफिशियल है। 100% यहाँ से क्वेश्चन अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन आ रहा है तो डैम श्योर बच्चों इसी सेशन से वो क्वेश्चन रहेगा। बस डिपेंड ये करेगा कि आपने इस सेशन को कितने अच्छे से अटेंड किया है। तो सेशन बच्चों अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा बच्चों, है ना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया है। पूरा नाम मेरा लिख दीजिएगा उमा शंकर मिश्रा, बिना किसी स्पेस का मेरा नेम लिखिएगा बच्चों। और इसके साथ ही साथ _ अनअकैडमी जैसे ही आप लिखोगे टेलीग्राम चैनल मेरा ओपन हो जाएगा, वहां पर ऐड हो जाइएगा, जिससे मेरे सारे सेशन का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ सभी सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों केवल इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।